Let's see. So, at first, see the features of ice and the major works of ice. There are two important major works of ice are glaciers and glacial moraines. And here is the spelling machine it is the moraines. M O R A I N E S. Okay, moraines. So, at first, see what is glaciers. Glaciers. See the picture of glacier Glaciers mean. See. A glacier is a large mass of ice. Yes, it is a large mass of ice moving slowly over some land surface or down a valley. Formed over long periods from the accumulations of snow in areas where the amount of snow that falls exceeds the amount that melts. Okay? So, simply we can say glacier is a river of ice. ओके एंड इट लार्ज मार्स ऑफ आइस मूविंग स्लोली ओवर डाउन वेली ऑल्सो सो ग्लासियर हम किसे कहेंगे हम देखें देखे सॉरी देखे कई लोग देखे होंगे और कई भी नहीं देखे होंगे जैसे कि हमारे आइस का बर्फ का पहाड़ होता है हाँ होता है या नहीं यस yes, होता है कई कई जगह पे आइस का मेजर वर्क रहता है पहाड़ों के समय से बहुत जमा हुआ हमारा बर्फ मिलता है तो क्या होता है बर्फ जब पिघलने लगता है तो वो अपना रिवर तैयार करता है और सो जैसे कि बर्फ का रिवर है तो वो तो जैसे नॉर्मल रिवर की तरह ही बस स्पीड फ्लो नहीं करेगा स्लोली स्लोली मूव करता है हमारे लैंड सरफेस पे यहाँ पे कोई वेली से ठीक है तो उसे हम क्या करेंगे वो ही हमारे बर्फ का नदी को हम ग्लासियर कहेंगे ठीक है सिंपली ग्लासियर मीनस द रिवर ऑफ आइस Okay, so first work of ice is glacier, river of ice, and after that, second feature is glacial moraines. Glacial moraines, see the spelling, correct spelling is glacial moraines, M O R A I N E S. Okay, so glacial moraines, what is glacial moraines, and uh, what is the meaning of glacial moraines? Let's see the material carried by the glacier, such as rocks, big and small, and sand.

Yes, क्या तैयार करता है ग्लासियल यानी कि अपना रिवर तैयार करता है बर्फ का रिवर तैयार होता है पर बर बर्फ का नदी जब अपने साथ छोटा बड़ा पत्थर यानी कि कोई सैंड एंड ये सब लेकर जब चलता है वो साइड में डिपोजिट करके चलता है यानी कि साइड पे रख देता है उसे हम कहेंगे ग्लासियल मोराइन ठीक है उसे हम कहेंगे ग्लासियल मोराइंस पिक्चर ऑफ ग्लासियल मोराइन ऐसे वो अपने साथ जो छोटे बड़े पत्थर Uh, कोई सैंड uh, या फिर एनी अदर चीज जो भी लेकर चलता है वो साइड साइड पे जमा कर देता है उसे हम कहेंगे ग्लासियल मोराइंस तो सो टू इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ आइस आर ग्लासियर्स एंड ग्लासियर मोराइंस ओके ग्लाशियर्स एंड ग्लासियर मोराइंस ओके ठीक है देन मैडियर्स कम टू द नेक्स्ट लिट इज वाइंड ओके सो इन प्रीवियस वीडियो यू हैव अलर्दी कवर्ड द मेजर वार्ड्स ऑफ आईज, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर द मेजर वार्ड्स एंड मेजर पिक्चर्स ऑफ वाइंड, यानी कि हवा की वजह से क्या-क्या मेजर हुआर्क होते हैं हमारी जमीन के ऊपर, वो हम फिलहाल देखेंगे। सो लेट्स सी, फॉर द पिक्चर्स ऑफ वाइंड, सो दिस

पे होता है and तेज हवा चलने की किस वजह से होता है जब तेज हवा चलता है तो क्या होता है सेंड एक जगह से जाकर हाँ बाली जो होता है मरुभूमि में जो बाली रहते हैं वो एक जगह से जाकर दूसरी जगह पे जमा हो जाता है तो एक जगह से जो साइड साइड का यहाँ देखो जो साइड साइड का हमारा चला गया है इरोड होके एंड बीच में से रह गया है एंड ऊपरी भाग में जो पत्थर जैसा ये रह गया है ठीक है साइड साइड चला गया है ऊपरी भाग में पत्थर जैसा रह गया है तो इसी आकार का हो जाता है इंडीज रक्स इन मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रक्स ओके okay? इसका सेब जो मशरूम की तरह ही हो जाता है छत्तू की तरह इसी वजह से ही हम इसे मशरूम रॉक कहते हैं ठीक है सो इट इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इट बेसिकली अकर्स इन द डिजर्ट एरिया एंड इट इज फॉर्म्स बाय द वाइंड ओके एंड इट्स जस्ट लाइक ए मशरूम तो दैट इट इज कॉल्ड द मशरूम रग्स ये डिजर्ट एरिया में ही देखा जाता है, इरोजन के से, जब तेज चलती है उसी वजह से ये होता है, हम इसे मशरूम रक कहते हैं ठीक है सो फर्स्ट वर्क ऑफ वाइंड इज मशरूम रोकेज सेंड ओके

the sand falls and gets deposited in low hill-like structures called sand dunes. so when the wind blows in basically desert area, it leaves and transports so many sands from one place to another. okay? and when it stops blowing at that time, all the sands falls and get deposited in that place, in that place and it make a hill-like structures called sand dunes. तो मरुभूमि एरिया में ज्यादातर क्या होता है जब तेज हवा चलती है तो हवा के साथ हमारे सेंड भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस को चले जाते हैं कैसे हवा अपने साथ ले जाती है और जहाँ हवा की गति धीमी हो जाती है या फिर हवा बहना बंद कर देता है वहां पे सारे सेंड को वहीं जमा कर देता है एंड वो जमा हुआ सेंड एक हिल यानी कि एक पर्वत तैयार करते हैं उसे हम कहते हैं सेंड्यून्स सो so, दिस इज द पिक्चर ऑफ सेंड्यून्स यहाँ जो खाल टीप नजर आ रहा है सेंड में ज्यादातर की वजह से होता है ठीक है और ये है हमारा सेंड्यून्स जो कि हवा की वजह से ही हमारा सेंड जाके एक जगह से दूसरे जगह में डिपोजिट हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं छोटे छोटे सेंड्यून्स छोटे छोटे बाली का पर्वत जो बोलते हैं हम ओके देन अनादर वर्क मेजर वर्क ऑफ वाइंड इज लोएस दिस इज पिक्चर ऑफ लोएस इज ओके दिस इज द पिक्चर ऑफ लोस सो हाउ लोस इज पॉम्स लेट्स सी व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी पाइन एंड लाइट द वाइन कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस व्हेन सैंड इज डिपोज्टेड इन लास एरिया इट इस कल्ड लोस ओके सो लोस कैसे पॉम होता है व्हेन वाइन इज व्हेन वाइन ब्लोस इन � The grains of sand, which are made fine and light, it carries or by the wind for very long distances. Okay? And when such sand is deposited in large areas at the time, it is called loess. So तेज हवा जब चलती है, हवा की वजह से sand में जो बहुत ही छोटे-छोटे pine particles होते हैं और बहुत ही light यानी कि हल्का particles होते हैं, वो हमारे हवा के साथ बहने लगते हैं और बहकर क्या होता है बहुत दूर जाकर वो लोग जमा हो जाते हैं बहुत दूर जाकर वो गिरते हैं और वहाँ हमारा वाइंड को जमा कर देता है और वो लोग एक पहाड़ की तरह रह जाते हैं और एक उनका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं लोएस ठीक है लोएस एंड लार्ज डिपोजिट ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना और ज्यादातर लोएस कहाँ पे हमारे पाए जाते हैं लार्ज से फाउंड चाइना चाइना पे पाए जाते हैं तो ये है हमारा पिक्चर ऑफ लोएस ओके लोएस का पिक्चर है ठीक है सो डियर्स दिस इज माइड जोग्राफी क्लास एंड वी हैव ऑलरेडी कवर चैप्टर थ्री अप जोग्राफी आवर चेंजिंग एंड इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी द मेजर वार्क ऑफ रिवर मेजर वर्क ऑफ सी वेव्स एंड मेजर वर्क ऑफ आइस